वैनगंगा नदी से होने वाली दूषित जलापूर्ति से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आया हुआ है। पिछले अनेक वर्षों से शहर के अनेक वार्डों में दूषित जलापूर्ति की समस्या है। जिला प्रशासन ने इस ओर पहल कर नदी में छोड़े जा रहे दूषित जल पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया है। जनप्रतिनिधि व अधिकारियों से समस्या पर ध्यान देकर दूषित जल की समस्या सुलझाने की मांग भंडारा शहर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। जिले के पवनी तहसील में कोसे ग्राम में वैनगंगा नदी पर बांध बनाया गया। बांध में बड़े पैमाने पर पानी संग्रहित है। इससे सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई, किंतु नागरिकों के पानी पीने की समस्या खड़ी हो गई। नागपुर की नाग नदी का गंदा पानी आंबोरा घाट पर वैनगंगा नदी में मिलता है। यही पानी कोसे बांध में जाता है। नाग नदी का उद्गम नागपुर से हुआ है। नागपुर के घरों का दूषित जल इसी नदी में छोड़ा जाता है। उसी प्रकार नागपुर में बसी विविध कंपनियों का रसायन युक्त पानी भी इसी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे कोसे बांध का पूर्ण जल संग्रहण दूषित हुआ है। बांध में पानी रोकने से कोसे बांध से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर भंडारा तक वैनगंगा नदी पानी से सराबोर है। नाग नदी का पानी मिलने से पानी दूषित हुआ है। पानी से बदबू आती है, रंग भी मटमैला हो गया है। पवनी व भंडारा में नगर परिषद की ओर से नागरिकों को वैनगंगा नदी से जलापूर्ति की जाती है। पानी को फिल्टर किया जाता है, फिर भी पीते समय पानी से बदबू आती है। इस दूषित जल से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। कोरोना प्रभाव के चलते अनेक नागरिकों ने निजी आरओ प्लॉट का पानी खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए नगर परिषद प्रशासन ने शुद्ध जलापूर्ति करनी चाहिए। दूषित जल की वजह से विविध बीमारियां फैलने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर परिषद की ओर से शुद्ध जलापूर्ति करने की मांग नागरिकों ने की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।